हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आकिलुर रिबा व मुकिलुहू, जो सूद खाता है और जो सूद खिलाता है, बल्कि बाज हदीसों में जो सूद के मामलात में पड़ता है, दलाल बनता है, वो भी जहन्नम में, सब जहन्नम में जाने वाले। अलबत्ता शारही ने हदीस ने फरमाया, अगर वो उसको नहीं मालूम था कि ये सूदी कारोबार है तो शायद उसको अल्लाह माफ़ कर देंगे दलाल, लेकिन मालूम रख कर उसने दलाली की थी तब तो उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। वो सूद लेने वाला, वो सूद देने वाला, वो दरमियान में पड़ने वाला, सब जहन्नम में जाने वाले, सब जहन्नम में जाने वाले। बाज़ हदीसों में आया है वकातिबी व शाहिदी, गवाह बनने वाले भी और उसका दस्तावेज़ तैयार करने वाले भी, पेपर तैयार करने वाले, गवाह बनने वाले, सब के सब जहन्नम में जाए। इस कदर सख्त मामला रिबा का है। इसीलिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक दिरहम खाने वाला 46 मरतबा जिना करने वाले के बराबर है।